नमस्कार। लहासा की और पाठ का आज हम उद्देश्य कर रहे हैं कि इस पाठ को किस उद्देश्य से राहुल संकृत्यायन जी ने लिखा था। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी यात्रा जो उन्होंने तिब्बत में की थी और नेपाल के रास्ते से होकर के वो तिब्बत गए थे, उसका वर्णन किया है। यह एक यात्रा व्रत है। यात्रा व्रत यानी जिस लेख में यात्रा के बारे में लिखा जाता है। लेखक ने यह यात्रा किसी नियम के अनुसार नहीं की थी, बल्कि छद्म वेश में की थी। छद्म वेश होता है किसी दूसरे रूप को धारण करके कोई काम करना, क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि उस समय भारत के लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। और अपने इस यात्रा व्रत में उनके पूरे लेखन का उद्देश्य यह है कि तिब्बत के लोगों के जीवन का वर्णन करना, तिब्बत के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं और उनकी क्या परंपराएं हैं और वहां का रहन सहन कितना कठिन है। साथ ही तिब्बत एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ की प्राकृतिक छटा को दर्शाना भी लेखक का प्रमुख उद्देश्य रहा है इस पाठ को लिखने के लिए। भारत से तिब्बत तक की यात्रा करने में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह दर्शाना उनके इस यात्रा वृत्तांत का प्रमुख लक्ष्य है। तिब्बत में लोगों का जनजीवन कैसा है, उनका व्यवसाय, समाज, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था आदि कैसी हैं। आर्थिक व्यवस्था यानी कि वो किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, क्या नौकरी करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, इसे आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। और इन सभी के बारे में इस यात्रा व्रत में राहुल संकृत्यायन जी ने एक महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन किया है कि किस प्रकार से, जिस तरह से उन्होंने तुलना करके भी दिखाया कि भारतीय महिलाओं को पुरुषों से पर्दा करना पड़ता है, जबकि तिब्बत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। भारत में महिलाएं अपरिचित व्यक्ति को घर में नहीं आने देती हैं और उनके घर के अंदर तक जाना तो बिल्कुल कठिन होता है, और यही कारण है कि वे अपने आप को असुरक्षित अनुभव करती हैं। लेकिन दूसरी ओर जब राहुल जी तिब्बती महिलाओं की बात करते हैं तो बताते हैं कि ना तो वो पर्दा करती हैं, ना ही किसी अपरिचित से भयभीत होती हैं, बल्कि वे उन्हें भोजन भी खिलाती हैं और उनके लिए चाय भी बनाती हैं, बड़े विश्वास से उनका स्वागत करती हैं। ऐसा इसलिए है कि जब कोई मुसीबत आए तो उसकी सुरक्षा करना वे स्वयं ही जानती हैं। तो यह पूरा उनका यात्रा का इस पाठ का उद्देश्य है और यह इस पाठ का सारांश भी कहा जा सकता है। अगर आपको इसकी व्याख्या के पाठ पढ़ने हैं तो मेरे अपने और प्लेलिस्ट में आप जाकर के वीडियोस देख लीजिए, आपको सभी वीडियोस इससे संबंधित मिल जाएंगे। इसके प्रश्नोत्तर के वीडियोस भी हैं, एक्सप्लेनेशन के भी हैं और समरी के भी, वहां पर आपको वीडियो मिलेंगे मेरे चैनल महिमा अग्रवाल क्लासेस पर।